अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ्रूक हैदर। आप देख रहे हैं पाक नजर। तो उम्मीद करते हो सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 21 है, इंस्टेंट लर्निंग कोर्स इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का। यानी इसमें कंसेप्ट और स्टडी मटेरियल इधर ही मिल जाएगा आपको। तो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो वो देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर नहीं किया, और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 20 यानी इससे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था। तो हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में रिसर्च मेथड हमने स्टार्ट किए हुए हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑब्जर्वेशन मेथड, तो आप काइंडली पहले वो भी देख लीजिएगा। तो इसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं कोरिलेशन मेथड। कोरिलेशन मेथड ये भी इसका सेकंड वाला है रिसर्च मेथड, इसको हम देखते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक ना आपको छोटा सा ओवरव्यू देता चलो कोरिलेशन मेथड के बारे में। ये क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जो कि इस्तेमाल होता है किस लिए कि दो वेरिएबल्स हैं ना, उनके दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। वेरिएबल की मैंने आपको मिसाल दी थी कि वेरिएबल वो चीज़ होती है जो चेंज हो, जो जिसके चेंज होने से कोई एक दूसरी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, ये होती है वेरिएबल। वेरिएबल हर कोई वैल्यू जो चेंज हो सकती है। ठीक है, इसकी मैंने मिसाल दी थी कि आप फर्ज करें पंखा है ना, पंखा जो छत वाला है उसका जो क्या नाम है, डिमर है ना, डिमर। अब वो क्या है? डिमर उस पंखे का वेरिएबल है। यानी आप डिमर को जब घुमाते हैं ना, उसके घुमाने से वो क्या नाम है, डिमर की वैल्यू वेरी करने से पंखे की वैल्यू वेरी हुई है, तो डिमर उसके लिए वेरिएबल होगा। ठीक है, मसला मैथमेटिक्स में एक्स वाई जी से वेरिएबल देखते हैं ना, तो ये भी उसी के अंदर समझ सकते हैं आप। तो ये मेथड उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन को मालूम करना होता है। ठीक है, इसके आगे ना दो टाइप्स हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन ये होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ में भी इजाफा हो। मसलन जितना ज़्यादा हम ना नमाज़ पढ़ेंगे हमारी नेकियाँ भी उतनी ज़्यादा ही होंगी। ठीक है, तो ये हमारा यानी डायरेक्टली रिलेशन नहीं पढ़ते कि समथिंग दिस थिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट, एक चीज़ बढ़े तो दूसरी चीज़ भी बढ़े, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। इसी तरह जो नेगेटिव कोरिलेशन होता है कि इसमें क्या होता है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होती है। मसलन हम जितना ज़्यादा नमाज छोड़ेंगे ना हमारी के नाम है उतनी ना वो बुराइयाँ बढ़ती जाएंगे। ठीक है, यानी हमने नमाज पढ़ना ज़्यादा किया तो पॉजिटिव वाले में क्या हुआ, नेकियाँ बढ़ी। यानी जितना हम नमाज से वो डायरेक्टली रिलेशन है किसके साथ, नेकियों के साथ। और इसी तरह अगर हम नमाज पढ़ना छोड़ दें तो उसमें नमाज की वैल्यू कम होगी लेकिन उसकी नेकियाँ क्या है, क्या नाम है, वो कम हो गई है लेकिन बुराई क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ जाए। ठीक है, या फिर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाए तो ये नेगेटिव कोरिलेशन में आ जाता है। ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो फैक्टर होते हैं जो कि चेंज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रेस, हैप्पीनेस वगैरह, ये क्योंकि साइकोलॉजी की टर्म्स में हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन मेथड को देखते हैं। द टर्म कोरिलेशन रेफर्स टू दैट टेंडेंसी फॉर वन इवेंट टू चेंज एज द अदर चेंजेस। तो ये कोरिलेशन से मुराद ये है कि अगर ये वो चीज़ की सलाहियत को शो करता है कि अगर एक इवेंट चेंज हो तो उसकी वजह से दूसरा इवेंट भी चेंज हो। ठीक है, ए मेथड ऑफ रिसर्च इन विच ए साइंटिफिक सिस्टमेटिकली ए साइंटिस्ट सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व्स टू आर मोर वेरिएबल्स टू डिटरमाइन वेदर चेंजेस इन वन आर अकॉम्प्लिश्ड बाय द अदर चेंजेस इन अदर। तो इसमें ये क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को साइंटिस्ट देखते हैं, सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह एक वेरिएबल को चेंज किया है तो दूसरे में वो चेंजेस आ गए हैं, या एक एक से ज़्यादा वेरिएबल चेंज हुए हैं तो उसकी वजह से दूसरे वेरिएबल में कैसे चेंज आया है। तो ये हम देखते हैं कोरिलेशन मेथड में। इसकी मिसाल है कि हम जितनी ज़्यादा फ्री एजुकेशन विल इंक्रीज द रेट ऑफ लिटरेसी, जितनी ज़्यादा हमें तलीम को हम फ्री एजुकेशन को फ़रोग देंगे, बढ़ाएंगे, उतने ज़्यादा वो क्या लें हमें लिटरेसी की तरफ हम ज़्यादा, यानी हम ज़्यादा कामयाब होंगे। ठीक है, सोशल साइकोलॉजिस्ट रेफर्स टू सच चेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एज वेरिएबल्स बिकॉज दे कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज़। तो सोशल साइकोलॉजिस्ट है ना, इस तरह की जो चेंजेबल वैल्यूज़ हैं चीज़ों को, अगर ना वो क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ इनकी होती हैं, एक से ज़्यादा डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, यानी चेंज होती हैं, तब्दील हो सकती हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ कोरिलेशन इज़ वेरी हेल्पफुल फ्राम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज वेन ए कोरिलेशन एग्जिस्ट इट इज़ पॉसिबल टू प्रेडिक्ट वन वेरिएबल फ्राम इंफॉर्मेशन।
अबाउट वन आर मोर वेरिएबल्स। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से देखा जाए तो। क्यों कोरिलेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इसके वजह से क्या होता है, ये पॉसिबल बना देता है कि किस तरह एक वेरिएबल के अंदर कोई चेंज आए तो उसे हम ना दूसरे एक या ऐसे ज़्यादा वेरिएबल में चेंज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, उनकी उनसे उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है, द एबिलिटी टू मेक सच प्रेडिक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ ऑल ब्रांचेज ऑफ साइंसेस। तो इस तरह की जो प्रेडिक्शंस को हम फाइंड कर लेना ही ये साइंस का बहुत बड़ा गोल है या उसकी ब्रांचेज का जो होता है गोल है। इसमें आप इस तरह देख लें कि आप ज़रा देखें जो कंप्यूटर्स हैं आजकल, आपको पता चल जाता है मोबाइल के सॉफ्टवेयर के ज़रिए कि किस तरह कि आज ये वेदर है, कल ये वेदर होगा, परसों ये प्रिडिक्शंस होती हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, तो मोस्टली ठीक जाती हैं। और ये कोई क्या नाम है, कोई मौजज़ा नहीं है किसी का, लेकिन ये एक कैलकुलेटेड चीज़ है जो कि अल्लाह ताला ने ही ये इल्म दिया है कि यह कैलकुलेटेड है। कभी कभी बाकी ऐसा भी होता है कि ये प्रिडिक्ट कुछ करते हैं, वो कुछ जाता है, वो अलग ही करनी है, तो ये टोटली ट्रू भी नहीं होते, लेकिन ये बड़ी काम की चीज़ है। सच टाइप ऑफ प्रिडिक्शन आर वेरी सपोर्टिव फॉर सोशल साइकोलॉजी एज सम ऑफ द फ्यूचर डेंजरस बिहेवियर्स एटीट्यूड्स विच कैन बी प्रिडिक्टेड बाय कोरिलेशन वेरिएबल्स विल बी कंट्रोल्ड और मैनेज्ड बिफोर टाइम। तो इस तरह देख सकते हैं कि अगर हम देखेंगे माहौल को, ये यार ये माहौल खराब है, इसकी वजह से ये नुकसान होगा, इसकी वजह से कह लेंगे एक माहौल दिया जा रहा है जिससे क्या नाम है कि इस तरह के लोग पैदा होंगे जो कि आगे मुस्तकबिल में जाके नुकसान का बायस बनेंगे, तो उसको यानी वो बुरे बिहेवियर शो करेंगे, क्रिमिनल्स बन जाएंगे, तो हम उनको क्रिमिनल बनने से रोक सकते हैं, ठीक है। यानी हमें पता है ना कि अगर किसी बुरी सोहबत में अगर बैठेंगे तो हमारी भी आते वैसी हो जाएंगी, अच्छी सोहबत में बैठेंगे तो हमारी भी आते अच्छी हो जाएंगी। तो ये वेरिएबल्स हैं, डिपेंड करते हैं हमारे। और ये क्या है, द स्ट्रॉन्गर द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इन फिनोमिना द मोर एक्यूरेट द प्रेडिक्शन। जितने ज़्यादा इनके दरमियान रिलेशन होगा ना तो वेरिएबल्स के दरमियान, तो उतना ही ज़्यादा जिस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं ना उसका हम कोरिलेशन की ना वैल्यू उसमें यानी उन वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन है ना कोरिलेशन का उसको हम अच्छी तरह डिस्कस कर सकते हैं। तो कोरिलेशन की जो ना रेंज है वो कितनी है, फ्रॉम 0 to -1 और +1, यानी ये -1 भी हो सकती है +1 भी हो सकता है। द ग्रेटर द डिपार्चर फ्रॉम 0 द स्ट्रॉन्गर द कोरिलेशन। जितना ज़्यादा वो दूर होगा ना 0 से तो उतना ज़्यादा कोरिलेशन होगा। अब ये दो इसकी टाइप्स आती हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। मैंने आपको बताया पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, द इंक्रीज इन व्हाट वेरिएबल काजेज द इंक्रीज इन अदर वेरिएबल कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़े उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। इसमें अब एक चीज़ आती है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होती है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन वो होती है कि जब इसकी वैल्यू +1 पूरी आ जाती है ना तो ये हमारी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाती है। इसकी मैंने आपको मिसाल दी थी वो नमाज वाली, कितनी हम नमाज पढ़ेंगे ना ज़्यादा यानी अच्छे काम करेंगे तो हमारी नेकियों में इजाफा होगा, ठीक है, एक चीज़ बढ़ी है दूसरी भी बढ़ी है। और नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, द इंक्रीज इन वन वेरिएबल काजेज द डिक्रीज इन अदर वेरिएबल इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाए, ठीक है, यानी अगर हम बुरे काम करते हैं हम यानी नमाज छोड़ देते हैं, बुरे काम बढ़ गए हैं तो हमारी नेकियाँ कम हो गई हैं, तो एक चीज़ बढ़ी है तो दूसरी चीज़ कम होगी, ये इनवर्स रिलेशन है, ये नेगेटिव कोरिलेशन आता है। और इसका आ जाता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कब, जब इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, -1 हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। इन दिस अप्रोच सोशल साइकोलॉजिस्ट अटेम्प्ट टू डिटरमाइन वेदर एंड टू व्हाट एक्सटेंट डिफरेंट वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसमें हम ये चीज़ बता सकते हैं यानी वो ये चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक डिफरेंट वेरिएबल्स हैं ना वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, उनके साथ ताल्लुक कितना है, ठीक है। तो इसके हम देख लेते हैं डिमेरिट्स भी और इसके मेरिट्स भी देख लेते हैं। अब मेरिट्स यानी इसके फ़ायदे देख लेते हैं, ये प्रिडिक्ट द फ्यूचर बिहेवियर, हम देख सकते हैं हम कि अगर अच्छी कंपनी में बैठेंगे तो अच्छा बिहेवियर होगा, बुरी कंपनी में कोई बंदा बैठेगा उसका बिहेवियर बुरा होगा, तो ये हमारे लिए एक बेनिफिट है कि हम इससे अपना किसी भी शख्स के हमें को ख़राब होने से बचा सकते हैं। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, हम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप इसमें फाइंड कर सकते हैं।
लेकिन इसमें डिमेरिट्स ही हैं कि कैन मिस गाइड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, ये हमें मिस गाइड भी कर सकता है, ठीक है। ये मेथड कभी क्या नाम है, कभी कभी गलत भी हो सकता है। मसलन फ़र्ज़ करें किसी स्टूडेंट का रिज़ल्ट अच्छा ना हुआ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अब देखें ना, हमने स्टडी करनी है, एक स्टूडेंट है तो उसने, दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ने स्टडी करनी है, एक स्टूडेंट को 6 मोल दिया गया, कोई टेंशन नहीं है, सारा कुछ है उसके पास, तो वो बड़ा अच्छा पढ़ सकता है, ठीक है। और एक स्टूडेंट है उस बेचारे के पास कोई चीज़ नहीं है, घर का माहौल भी ख़राब है, ये है मसला, बहुत सारे मसाइल हैं, डिप्रेशन का वो शिकार है, तो लेकिन रिज़ल्ट आया तो पता चला दोनों बच्चे फेल हो गए। तो एक तो चलो बेचारा गरीब वाले का समझ लगती है कि यार घर का माहौल बेचारे का ठीक नहीं है, स्ट्रेस का मसला हो सकता है, वो फोकस नहीं कर पा रहा, इस तरह की चीज़ें, या फिर वो बेचारा इतने इस काबिल नहीं है, इतने जोगे नहीं है कि उसको इतनी तवज्जो दी नहीं गई, ठीक है। लेकिन वो जो अमीर वाला, अमीर ज़्यादा था, वो क्या है, वो क्या है, अब उसके लिए तो ये बात नहीं ना होगी कि वो स्ट्रेस में है, वो असल में क्या होगा, वो अपनी ही जो कोताही की वजह से वो उसमें रिजल्ट में अच्छा नहीं आया उसका, तो ये मिस गाइड भी कर सकता है वेरिएबल के बारे में, ठीक है। यानी वो बेचारा वो एक मजलूम है, उसको मजलूम शो ना करे, और जो क्या नाम है, एक मुजरिम है, उसको मजलूम शो कर दिया जाए, तो ये ज़रा इसमें ना बात हो सकती है। इसके बाद एक्सेसिव रिलाई ऑन प्रिडिक्टेड बिहेवियर, ये बहुत ज़्यादा इसमें ना, जो हम कहते हैं ना कि ऐसा होगा तो उसी के ऊपर बहुत ज़्यादा इंसार करता है, वो गलत भी हो सकती है बात। मैंने आपको बताया कि अगर हम ये वेदर वगैरह भी डिस्कस करते हैं ना, ये इसमें इतने अच्छे सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट्स, मशीनें हैं, कंप्यूटर हैं, लेकिन वो गलत भी हो जाता है कभी कभी, अलग ही करनी है तो ऐसा हो जाता है, तो ये इसका ये भी डीमेरिट है। बिहेवियर में भी ऐसा हो सकता है कि हमें एक बंदा इस तरह का ना लगता हो, लेकिन वो बिहेवियर में अपना प्रिडिक्शन हो जाती है गलत, यानी स्टूडेंट कुछ होते हैं, कोई पढ़ते हैं नहीं है, रिजल्ट आता है तो सबसे टॉप कर जाते हैं, ठीक है। तो ये था इस लेक्चर में, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।